अब जिन लोगों ने पैसा दिया, जिन लोगों ने पैसा भेजा, आपका कहना यह है कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हमारी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखिए, नहीं रखूंगा, बिकॉज योर डिसीजन इज इम्पैक्टिंग, यस आई एम टेलिंग यू योर डिसीजंस आर इम्पैक्टिंग ऑन माय पर्सनल लाइफ, आई कैन पे बिकॉज आई डोंट वांट टू कैलकुलेट यू वीमेंस यू माय लव वंस इन 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 दैट काइंड ऑफ कैटेगरी. And that is very simply. I can pay to any escort agency. I can stop any time. Food in other packets across the world. पर नहीं, मुझे आप लोगों को ना नीचा दिखाने में बहुत मजा आने लगा है. जो प्यार के नाम पे धोखा दे उसको नीचा दिखाओ, समझे, नजर नीची. तो रेहान खान, राबी पीजदा, मरीम नवाज शरीफ, मैं अब संसार में उस इंसान से मिलना चाहूंगा, एंड प्रीति मांडल, जो आप लोगों को इतना सब कुछ दे सके. आप लोगों के द्वारा कहे गए सारे शब्दों को मैं जीरो करते हुए जो पैसा एड मैंने आपको भेजा है सब बंद करता हूं. आई एम स्टिल अलाइव. तारीख बता देते हैं, 18 नवंबर 2021, समय हो गया है 02:38 AM, क्योंकि इसके बाद मैं अपना लाइफ आराम से जीऊंगा. आई ऑर्डर टू IB, सबक सिखाओ इनको. मैंने साफ साफ कहा था इंटरनेशनल लॉबी में बैठे हुए सब लोगों को, Never give me a reason to show you my evil side. मेरे वाले बहुत खतरनाक है, वाकई है. आई एम शोइंग यू इम्पैक्ट. यू कैन सी इज कॉलिंग, यू कैन सी दैट. आ करके एक 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 स्विगी में नौकरी करने वाला, एक स्विगी में नौकरी करने वाले की औकात देखो. बिकॉज आई एम लिविंग हियर, या मैं यही रहूंगा. बिकॉज सुरेश मंडल आस्क मी टू बी हियर, जिसमें दमो खाली करा लो. यहाँ से जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, समझ में आई. जितना दिमाग लगाना था लगा लिया. आई डोंट वर्क फॉर भारतीय जनता पार्टी, माई मनी इज माइन. If that boy is thinking that he has that much, he and his family is, yeah, you can see, he and his family is working in a Saudi prince court. Beautiful smile. पहले उसे मारेंगे, उधर से मारते हुए इधर आएंगे ताकि ये भाग न सके. IB, Intelligence Bureau of India. इतना आसान नहीं होता है. बदतमीजी जब शुरू होती है, पैसा पूछो इन लोगों से, इनके घर का, इनकी औरतों का पैसा पूछो. जो चाहिए वो चाहिए, पर नहीं जो डब्बों में बंद करा देंगे. इतना नहीं होता है, चाहे कोई हो. इस तरह के लोगों को ये औरतें, ये सारे झंडू बाग, अब पता है क्या, व्हाट सॉन्ग इज सूट्स टू यू, मरियम नवाज शरीफ एंड राबी फीजदा, Ibrahim Khan, even get Trump, Aruba and all.
मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। एक आदमी दौड़ा दौड़ा नरेंद्र दामोदर दास मोदी की टीम के पास पहुंचा। सब 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 व्हाट हैपेंड के साहब, हितेश के लोग ने मेरे घर परिवार को बहुत मारा है। हाँ हम देखेंगे क्या हो गया। चलो नहीं नहीं उसके जैसे एक बार बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं, तो जैसे ही फोन करने उठाया तो वो पिटना शुरू हो गया वहीं पे। हाउ इज योर टॉर्चर डेज? We don't care. जो होने वाला है वो इतना खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक है आपको क्या मालूम, देखिए क्या होता है। क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान को ये लग रहा था कि वो सिग्निफिकेंस में काम करेगा, नहीं भोसड़ी के भूतनी के बताना होता है, हर बच्चे को उसके बाप का नाम पता होना चाहिए, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं झूठ बोलता ना मैं दिमाग लगाता फालतू कि किसी और ने तुमको पैसा दिया, मेरा है। इफ आई ऑर्डर देन मनी इज माइन, कोई किसी को नहीं देता है, मनी इज माई प्रोडक्ट। समझ में आई? चाहे वो इमरान खान हो, राबी हो, कोई भी हो, इनको पता होना चाहिए पैसा मैंने दिया है। यदि इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो यू कैन वॉच द स्टेटस ऑफ शिंजो आबे, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और भी बहुत सारे मिनट में कुर्सी से उतार दिए गए, अब फिट रहे कुर्सी पे रहते। योर लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। हाउ आर यू सुधीर चौधरी? Are you listening me? टॉर्चर करना किसी को, पीटना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हाथों से मारना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है भी बहुत। सारा जनरेटर निकाल देते हैं उस समय, तुम्हारे अंदर का जितना एसपीजीज होता है ना सब। मारते बहुत हैं हम लोग। वे इज जो अच्छा, मेरे नाम चांद हितेश नहीं होता तो मेरे अंगूठे भी अक्सर नहीं होता, तुम तो घोल घोल के पी जाते ना। अच्छा धुआं इस ये शाम है, धुआं धुआं धुपचिस 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 धुपचिस। इनको क्या लगता है वैसे? आज फीलिंग इज नाउ बड़ी अरमान से रखा था बलगम तेरी कसम। बलगम नॉट बालम, ये वही वाला गाना है। बड़ी अरमान से रखा था बलगम तेरी कसम, बलम ते नहीं बलगम तेरी कसम, थूक दिया सरे हम तेरी गली में सनम। ओ पता है क्या, माँ अब तक इनकी चुदी नहीं, बस आईबी वाले लोड़े चाहिए इनको। मैं कह दे रहा हूँ यार, दो चार को बांध के मेरे पास ला के पाठ को, उसके बाद देखो कितना मजा आता है। शाम इतनी ऋषि चलता है यार एजुकेशन में, आई मीन इंटरपोल
बहुत 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 ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं तुमने तुम जैसे गरीबों को मैंने उस डायमेंशन में जाने ही नहीं दिया। यहाँ के मैं देख रहा, और क्या हाल चाल है? ओ ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया? IPS। अच्छा IPS है, यहाँ तो शुरुआत ही CP से हुई है भाई। ACP। अच्छा एरिस्टोक्रेट प्रीमियम, यहाँ डायरेक्टर स्पेशल DSP ब्लैक। यहाँ शुरुआत ग्रीन लेवल, पहले ही ग्रीन लेवल, एकदम ग्रीन लेवल उठा लिया सबसे पहले दिन ही। गिलबीज ग्रीन लेवल, दूसरा कोई काम ही नहीं किया मैंने। व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई ड्रिंक चेन्नई बॉट गिलबीज ग्रीन लेवल, पहले दिन ही ग्रीन लेवल उठा लिया। अपनी ऐसी तैसी में जाओ ना यार, क्यों दिमाग लगाना फालतू, क्यों? सही है गलत है, दूसरा कोई काम ही नहीं करना हमने और कुछ नहीं सोचा। और जैसे ही ग्रीन लेवल उठाया, छुट्टे के साथ ही DSP ब्लैक, और क्या पता है कारण क्या है? DSP ब्लैक बहुत सिंपल से रीजन है DSP ब्लैक के लिए। अच्छा एक पंख इतना इतना सारा उठा दिया है इसने। You know what is the meaning of this? Anwar is showing his pajama just 1 feet above his ankle. It means इतना खाली, अभी तुझे पता नहीं है क्या करेंगे। तुम लोग पता है कौन सा गाने, तुम लोग अपने अपने लिए गाने सेलेक्ट कर लो, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू बी एंजॉय द टॉर्चर सिल of intelligence bureau. We don't care. In that chamber, gana se likh kar. Abhija, abhija, aisanam, ay khuda, kya kisam hota hai, khuda hota hai, whatever. And few more songs. So if you all have to select those all songs. You'll have to select these all songs. Because those all songs gives you really a very lovable memory. Tumhari sabki na bhosdi wala memory card change karunga, tum chinta mat karo. Tumhare memory card mein bahut kuch hai. Aur uske baad pata kya hoga? उसके बाद जो मज़ा आने वाला है ना, वही सोच सोच के सब परेशान हो जाएंगे। सेंसेस व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यू नो। अगर समवन इज बर्निंग फायर इनसाइड द स्ट्रीट और एनीवेयर, व्हेन आई विजिट टू पूर्णिया, तो द कोड इज अ मूवी आग ही आग, अगेन फिल्म इंडस्ट्री, पता है नहीं मालूम, ये कोड है आग ही आग। हाँ, आग ही आग मूवी देखी है आपने? उठाओ उस टीम को। दिस इज सिग्निफिकेंस टू शो द टेंशन इज राइजिंग। Yes, burning fire. It's some burning smoke. White smoke. It's not a black. You'll see. But नहीं मालूम. These all are the codes of central agency. When I visited to Purnia, तो वहाँ बहुत समझाया, इशारे मान जाओ यार। उसके बाद आई केम बैक टू वापस से भागलपुर, इतनी गोलियाँ मारी ना उसके बाद बंदों में, मेरे को पहली बंदों ने दिखा दिया, कह रहा भाई साहब बुलेट लोड है, मतलब समझे, गाड़ी होती है ना छोटी, उस पर वैगन पे बुलेट मोटरसाइकिल होता है ना, उसको लोड करके दिखा दिया, कह रहा साहब बुलेट लोड है, मैं ठोक दो। इतनी गोलियां मारी ना भाई साहब पूर्णिया में, पर ऐसे नहीं मारते, ढूंढ ढूंढ के पूछ पूछ के तरीके से, कह रहे
आप साहब बस जैसे ही बस निकली मेरी बस में कुछ औरतें चढ़ने लग गई, कह रहे ना एक को भी नहीं। बिल्कुल हमारे साथ टीम के लोग बैठे बस में फटाफट, बस में लास्ट कॉर्नर सीट पर मैं बैठा, मेरे को एक चावल का बोरे पे दिखा दिए रॉकेट लोड हो चुके हैं, चाइना की बजा रही थी दबा के, तब दबा की रगड़ी थी उस समय चाइना की, सब भग गए उस दिन पूर्णिया से सब। और जब मेरी टीम के बंदे बंदों ने भाई साहब गोलियां लोड कर रही हैं पूर्णिया में, अब मारेंगे तुम्हें बैन कर लेंगे साले, हमसे बड़े बदमाश हो। तो बड़ा मजा आया उस दिन, वेल समवन इज आस्क मी कि आप उस तरफ से जाना पसंद करेंगे याद उनके कैसे भी चले, फिर सांट एलिजेंसी गिना चुना था सर। तब तुम तुम्हारा जो हशर करने वाले हैं तुम्हें पता भी है, पूर्णिया से पूछो ना जा करके, बिहार में पूर्णिया वालों से पूछो क्या हशर किया उनका हम लोगों ने, 100 बार कहती है मेरी टीम साहब खुद आ रहे हैं बता भी देते, फोटो दिखाते ये साहब हैं, अच्छा देख लेंगे कितना बड़ा साहब है, देखना फिर आने से पहले बता देते हैं और जाने के बाद बता देते हैं, अब बता क्या करें तेरे साथ। बस वहां से फुली लोड हुई और पूरी स्पीड में लाख कोशिश कर ली उस दिन इस औरत दो तीन औरतों ने बस में चढ़ने के, नहीं चढ़ने देंगे मैडम, जय राव मेरे लिए फटाक से हाथ हटाया कि साहब आप बैठो यूं आती है सैट एजेंसी, ऐसे गए फटाक बस लगाई सामने, ये कॉन्वॉय वाले है क्या, कुछ नहीं है बोलोगे सामने, तो बड़ा मजा आता है स्मोक स्मोक। अच्छा मैक्सिकन्स मॉस्किटोज इतना इतना आसान नहीं होता, दिस इज अ कोड आग ही आग मूवी। मोदी भूलो मंडल शहनवाज हुसैन और भी कई सुशील मोदी कई लोग दिमाग लगा रहे थे उस दिन, लगा लो दो चार लोग पहुंच गए होंगे चेवर लेके, भाई साहब उसी दिन मार दिया तो चारों पांच लोग शहनवाज हुसैन चार पांच, हाँ उस दिन शहनवाज हुसैन को लेके जा रहे थे ना उसी दिन मार दिए थे। मैं पूर्णिया टहलता रहा, आई वॉज इन सुपरवाइज एंड आस्क्ड यू चांदनी रेजिडेंस पेट्रोल पंप वाला दीपक नो नोस क्या झंडा चौक, आई विजिटेड टू झंडा चौक, उसके बाद वहां गया श्रृंगार खरीदा बैक टू भागलपुर, उसी दिन मैंने पूर्णिया से श्रृंगार उठा लिया था, अब मारू गोलियां जिस जगह से होके निकल जाएंगे ना लाशों का ढेर लगा देंगे। मानो या ना मानो तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कितनी ऐसी पहचान लो मेरे को, नहीं मानते सच में ही, अगर किसी ने भी जरा सा भी दिमाग लगाया तो समस्या में आओगे कि दिस इज टोटली वर्क ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जब मैं चलता हूँ ना पूरी आईबी चलती है साथ में। लास्टली आई विजिटेड टू कुमापुर, हित्ती है ना ज्यादा दिमाग लगा रहा था, मैंने जाते ही आईबी लगाई, मीन में समझा दिया गया तुझसे गलती नहीं करना अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आता है तो हम समझाना जानते हैं, यू लाइक टू इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन फालतू के सवाल जवाब नहीं करते हैं, जितना पूछा पूछा। आराम से बैठ के मोदी कह रहे देश ने बोला था आईबी वाला, सारे आईबी वाले हमारे जैसे नहीं होते हैं,
कुछ आईबी की ट्रेनिंग के बाद गद्दारी करते हैं, पैसे देख करके, एनवायरमेंट देख करके, इतना पैसा इतना एनवायरमेंट है। नेशनल फ्लैग को कूड़ेदान में फेंकने वालों को साथ क्या करेंगे तुम्हें पता होना चाहिए। समझ में आई? ये से पुराने गेम है, कोई फीड नहीं चल रहा है। मैंने कभी नहीं कहा मेरे आसपास सेंट्रल एजेंसी बनाओ। समझ में आई? क्योंकि हम इनको साफ बोल देते हैं, हम वो हैं जो आप कभी नहीं बन सकते। सेंट्रल एजेंसी एक मेथड है टू पास मैसेजेस टू योर पीपल्स इन अदर एरियाज। नहीं चाहिए, खास करके जहां मैं रह रहा हूं, जब मैं चलूं कहीं जाऊं तब रास्ते में होता है ये सब। समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं पता, कोई हो तुम, हम लोगों को परवाह नहीं करते हैं। हमारा कहना सीधा है, बहुत सीधा सर। तू चाहे इलेक्शन में जीत के राष्ट्रपति बनाओ चाहे प्रधानमंत्री, देश इंटेलिजेंस वाले चलाते हैं। और रॉ शब्द में इंटेलिजेंस नहीं है, विजिलेंस में इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ आईबी में है। और आईबी वाले कभी भी सरकारी पोस्ट पे नहीं होते हैं, मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल जाति आईबी से हटा दिया जाता है। ये दिस इज द मैथड ऑफ मैसेजिंग बिटवीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड नक्सलीज। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ नक्सलीज एंड टेररिज्म। एक वीडियो बनने के साथ ही ऑटोमेटिकली असर्स पता लग जाता है कौन क्या कैसे कर रहा है। बहुत आसान होता है। हमने अभी ढंग से किलिंग मारी नहीं है, समझे? बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट, देश हम लोग चलाते आए हैं। किसी को दो थप्पड़ मार के सुधार देते हैं, किसी को चार। वह हम देख लेंगे। आईबी में अगर बोला इंटरनेशनल ब्रदर्स, इसका मतलब नहीं है इसमें फीमेल्स के लिए कोई जगह नहीं है। स्टूपिड। मैंने ये भी कहा था हम लोग लिंग परीक्षण नहीं करते। समझ में आई? अगर इंटेलिजेंस है बुद्धिमता, बुद्धि मत आ अगर 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 इंटेलिजेंस है, अगर इंटेलिजेंस है तो यू कैन रन योर नेशन, यू कैन अर्न मनी, यू कैन, यू कांट क्राई लाइक इन रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वेयर इज गुलभूषण यादव। मैं तो सीधा पूछा कनपटी बनी बोलो लगा के इन आई बी स्टाइल वीर कुलभूषण यादव, वीर कुलभूषण यादव, वीर कुलभूषण यादव पटाख। बाद में जब ऑपरेशन कुलभूषण यादव का रिपोर्ट आया एंड द रिपोर्ट इज छत से कूद गया, तो कुलभूषण यादव को मरणोपरांत महावारी के चक्र से सम्मानित किया गया, खूनम खून हो गया अगर इस धरती पे कुलभूषण का खून गिरा तो सब फिट हो गए। तो खेल ये हुआ कि जिस दिन मैंने पूछा ना ऑपरेशन कुलभूषण जादव तो बिना देर करे जो है
कुलभूषण जाधव को एक पर्ची किसने पकड़ाई थी बे? नहीं, कुलभूषण जाधव के लिए परमवीर चक्र, सुसाइड वीर चक्र बना दो यार एक, कोई और तरीका सोच लेता ना, दो चार को लेके कूद जाता यार, बेवकूफ आदमी। अरे यार यहाँ फिर नंबर कम कर दिया यार रितेश ने। देख यार मैं कभी भी जो है ना एग्जामिनर नहीं बनना चाहता था, बना जब क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टाइम मेरे को एग्जाम में दिया गया, मैंने देख देगा, मैंने क्वेश्चन गलत है, कहते ये क्या बात है, मैं कहा तू आंसर चेक करेगा, मैं पहले ही क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, तो क्या बात कर रहा है यार तू, ये सब नहीं चलेगा यार, सवाल ढंग के पूछे। तो कुलभूषण जाधव को विशिष्ट पुलिस सेवा मेडल और अशोक चक्र, उधर खड़ा हुआ अशोक चक्र। अच्छा वो अशोक चक्रधर है, अच्छा ठीक है, अशोक चक्र और कुलभूषण, जी हाँ ये नया सम्मान शुरू किया जाएगा भारत में, भारत कुलभूषण से सम्मानित किया जाएगा, बिकॉज ही फॉलो द ऑर्डर्स, ही फॉलो द आईबी ऑर्डर्स। मजा आया, इतना आप समझ नहीं सकते हो। मतलब मैं उस दिन जा रहा था, मैं कुछ सिग्निफिकेंस मिले और मुझे बोल दिया साहब लोगों ने यार, कुलभूषण जाधव का मैटर वी नीड टू डिस्कस नाउ, व्हाट इज योर डिसीजन इन कुलभूषण जाधव मैटर, लेकिन सर आई टेल यू लेटर यार, आपकी विजिट टू होम जब मैं फीडबैक है सर, चलो गुस्सा तो थी और हंस हंस के पेट में दर्द, नहीं आंसू तो वैसे ना खुशी के आंसू आते हैं हमारे तो यार, हाँ नहीं जब भी, नहीं मैं जब भी रोता हूँ ना खुशी के आंसू होते हैं, तो उस दिन मेरी खुशी के मारे मेरी आंख भर आई, मैंने कहा माँ के लड़े भोसड़ी के चूत, ये रिसर्च एनालाइजिंग विंग वाले, हमारे आपस से कंपटीशन चलता रहता है। हाँ कह रहे पढ़ना है, मैं जब पहली बार रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का एग्जाम देने बैठा ना, क्या है ये, अरे इतना क्यों पढ़े इतना, ऑलरेडी आई एम आई बी, आई बी वाले लोग पहुंचे देखने में एकदम नहा धोके, कभी कभार तो मौका मिलता है नया कपड़ा पहनने को, सब एकदम नहा धो के चश्मा उश्मा लगा के पहुंचे, मैंने कहा अच्छा आ गए ठीक है। और अगर फार्म भरनी है ना तो फेल है, तो क्या हो गया फेल है, तो फील्ड में फेल का मतलब फील्ड की नौकरी होती है, साफ सीधी बात है, पास है तो पास हो जाए ना, पास इज अवे, मरने वाले को पास इज अवे कहते हैं, मार देंगे भाई, पास होते ही डायमेंशन चेंज, दायर पट्टा है, तो वहां जैसे ये सारे फेल वाले हैं, जैसे फेल वाले पास की डायमेंशन में पहुंचे उनको झटका लगता है, ये कहाँ से आ गया भाई, इस डायमेंशन में जो है यहाँ आके पास हो जाएंगे ना, कि वहां से पास होने के बाद यहाँ फेल वहां पास, ऐसा नहीं चलता। तो मेरे तो इतनी मेरे खुशी के मारे जो है ना क्या बताऊं मैं, मेरे आंखें भर आई, मैंने कहा यार कुलभूषण ठीक है कोई नहीं आने वाला बचाने, ठीक है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑर्डर है, मैंने भी प्रोटोकॉल पढ़ लिया था क्योंकि लिखा मैंने ही था। कुलभूषण जाधव का फाइनल प्रोटोकॉल एनवलप लिख करके मैं, हाँ फाइनल प्रोटोकॉल लिखना पड़ता है, मैं पहले भी एक बार लिख के गया हूँ, घर में लिख के जाना पड़ता है, तो उसके बाद फाइनल प्रोटोकॉल जब भी याद रख लेना, अगर आप कभी जाए कहीं पे स्पेशल ऑपरेशंस पे, तो घर में एक एनवलप उस पर फाइनल प्रोटोकॉल लिखना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए आपके ऑपरेशन किस हद तक है, अब किस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, सो दैट एजेंसी विल वर्क अकॉर्डिंगली। हम लोगों ने क्या करा कि आराम से कुलभूषण जाधव का एनवलप तैयार किया, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑर्डर, तो मेरे को बाद में कहते हैं पूरा लिख देता ना, क्यों अबे सेल्फ डिस्ट्रक्शन अलोंग विद अदर्स लिखता ना। रिसर्चर एनालिटिक वाले कह रहे,
वहाँ के लोड़े ना अच्छा खासा कैमरे में आ रहे थे, नाम आ रहा था टीवी पे, बैठ के लोड़े थे, देखिए क्या ऑर्डर पास किया, मैं क्या ऑर्डर पास किया, ये मेरे को अपने साथ में जूनियर ऑफिसर समझ रहे थे। तो हाँ सिंपल वन, तो मैंने कहा यार सिंपल है ना, कम लिखना ज़्यादा समझना, जो तुमने कभी लिखी थी कुलभूषण जाधव जो है उसने भाई जेल में ही फिटनेस उतार दी बंदों की, तो भाई मार मार पागल कर दिया बंदे, बाद में जैसे पकड़ने की कोशिश करी तो सर्वर फोड़ दिया बंदे, फिर इसको हॉस्पिटल लेकर के आए, तो हॉस्पिटल लेके आए तो खुद ही कूदिया, फिर फेल हो गया चूतिया के, क्या रिसर्च एंड एनालाइजिंग वाले सारे के सारे जो है सर पकड़ के बैठ गए, कह रहे यार अब क्या कहेगा यार, ये क्या कहूँगा यार, शिवा ने सुसाइड इनको अलॉन्ग दिला था इसने, चले किसी एक को पकड़ के लेके उसको पूछ जाता तो भाग ले, एक को तो पकड़ लेते ना डायमेंशन में, वहाँ फिर पिटता हो, ठीक है अब इनको जो आईएसआई वालों की धरती लग गई, तेरे भाई अब क्या करे भे? ये कह रहे यार कि वहाँ आईसीजे में उसको है ना ऐसे नहीं, तो देखिए तो सही अब इनकी क्या मार चोट कर रहे हैं इनके लंडों की, ठीक है अब यहाँ मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो रहा, मैं इधर से जा रहा, बंदे पूछ रहे यार कुलभूषण जाधव कब आएगा, कैसे आएगा यार, आसमान से ऊपर से आ रहा है वो, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच कुलभूषण जाधव, और नहीं इंटेलिजेंस में दे ही चलता है, एंड आई विजिटेड टू बिकॉज इट वॉज अ थ्रेट बाय नेहरू राव, ही ट्राइड टू कैप्चर एंड ही ट्राइड टू शो होस्टेस टू माय फैमिली, मैं अच्छे में बताता हूँ, मम्मी आई यहाँ पे, जैसी माता जी आई उन्होंने मेरे कुछ पैसे दिए, मैं कहा मुझे जाना है कहीं, मैंने फटाफट फाइनल ऑर्डर लिखा 6000 रुपये घर में छोड़े, बाकी पैसे ले करके मैं फटाफट पहुँचा भागलपुर, पहले बच्चों को ले आया मैं, था कुछ मामला मेरा एक रिश्तेदार वगैरह दिमाग लगा रहा था, मैंने रुक बहन के मुझे मैं बताता हूँ, इतने बंदे मारे ना उसके बाद ट्रेनों से उठा उठा के बंदे फेंक दिए, जो ट्रेन में चढ़ता था ना उसे उठा के चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते थे, अभी जब जाऊँगा ना उसके बाद देखो क्या हाल करता हूँ मैं, इस बार तो मैं खुद ही मारूँगा, ठीक है नहीं काम बहुत स्पीड में ना, हर साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाए मिल के जोर लगाना, मैंने फटाफट यहाँ सेल्फ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर फाइनल प्रोटोकॉल लिखा, मैं पक्की मार छोड़ देंगे इस बार बिहारियों की बयान कर, सुशील मोदी वाला दिमाग लगा के बीजेपी वाला, ठीक है माँ के लड़े थी वाली माँ की चूत बिहार पुलिस की, मेरी वाइफ की शादी कराने के लिए तेरी माँ का भोसड़ा मारा बयान कर लेंगे, तो आज मैं बताता हूँ तुम लोगों को, यहाँ से मैं फाइनल प्रोटोकॉल लिख के एनवलप में बेटे को समझा गया, मैंने कहा अगर कुछ भी होता है गलत ये एनवलप डिपार्टमेंट के लोग आएंगे उनको दे दिए बस, यहाँ से गया सीधा भागलपुर, उसके बाद जो वहाँ बैटिंग शुरू करी इनकी माँ के चूर बहन के लंबे की, सेकेंड डायमेंशन फुल लॉबी मार दिया मैंने, सेकेंड डायमेंशन पूरी मार दी, उसी में सब खत्म हो जाता है, अब चला लो ध्यान आना यही है माँ के लंबे, इसे कहते हैं एसपीजी वर्ल्ड मारना, एसपीजी वर्ल्ड इंटेलिजेंस वर्ल्ड होता है आईबी वाले चलाते हैं, और हमने दिए कुलभूषण जाधव के परिवार को, हम लोग एक पेट्रोल पंप और क्या करेगा बे, इससे ज्यादा क्या करेगा, एक पेट्रोल पंप और 26 जनवरी पे आ जाइए इसकी फैमिली को बोल दो और उसकी मैडम को बोल दे रहा है, देखो मैडम ऐसा है ठीक है प्लीज डोंट, मैं जानता हूँ उस समय सबकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, पाकिस्तान के लड़ा भोसड़ी का चूती है, हाथ हाथ मलते रह गए, बंदा यूँ निकल गया, हमसे पंगा लोग, हमसे तगड़े इंटेलिजेंस वाले लोग, हमारे सेल्फ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर्स होते हैं, ऐसे तैसे मजा मार चुका है बहन के लिए कौन इतना दिमाग लगा रहा है, और उसके परिवार वाले को बोल दो, और हाँ सामने मोदी दिखे ना माँ के लड़के थप्पड़ जरूर मार दिए खींच करके पटाख, हाँ बोलो ये अपने तरह का सैल्यूट है, असल में थोड़ा सैल्यूट ना हाथ लंबा खींच रहे थे इसलिए थोड़ा इधर से आ गया, तो उगा क्या समझने वाली बात है, 26 जनवरी को उसकी फैमिली को बोल देना ये कुलभूषण जाधव का फैमिली लोग आकर के जो है एक पेट्रोल पंप और 21,000 रुपये कितना 21,000 रुपये है, अब पेट्रोल पंप कहाँ पे चाहिए, नहीं वो देखेंगे जहाँ पे नहीं चलता होगा वहीं पे देंगे ना, ज़्यादा नहीं दिक्कत होगी आपको काम करने में,
कुलभूषण जाधव के परिवार को हम लोग एक पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप किसी को मिलता ही नहीं है, ऐसे कैसे ले लेंगे। हाँ ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा कहना बहुत सिंपल सा है कुलभूषण यादव के परिवार के लिए। देखिए मैडम, बहुत सिंपल से मैसेज है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ हम पूरी ज़िंदगी नहीं साबित कर पाते हु वी आर, व्हाई वी आर एंड वेयर वी आर, बट यस वी आर, हम हैं। और हम तो इतने ज़्यादा बड़े जोकर हैं ना, सच भाई, तो आप जो है आप देख कुलबू अभी नहीं, आप उसके चक्कर में जो है इधर उधर कूद का जो आपकी शादी वादी करना चाहते कर लो, ठीक है, एंजॉय योर लाइफ। बहुत बहादुर इंसान था, बहुत बहादुर, नहीं नेपाली नहीं था नेपाली नहीं था, ही वॉज अ वेरी ब्रेव, ही वॉज सोल्जर, इज अ बॉर्न सोल्जर, ही फॉलोज द ऑर्डर्स, सिर्फ एक बात। पर आज मैं जानता हूँ उसकी आत्मा बहुत रो रही होगी, कि जैसे ही इन रॉ वालों को पता लगा होगा ना कि ऑर्डर इसने दिए थे हितेश ने, तो ये फिर जो है ना ये सर पीट रहे होंगे। हाँ जी, वो व्यक्ति नहीं था, ठीक है, फाइनल ऑर्डर्स मेरे ही होते हैं, फॉलो द ऑर्डर्स और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। व्हेन अ डायमेंशन ऐसे चेंज कराएगी, बोलेंगे मैं कहाँ, थैंक यू वेरी मच।